गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले सेक्शन में रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू को वाक्य से रिमूव करके उसे बदलने का नियम नंबर एक हम आपको बता रहे हैं। तो जहाँ पे टू है उसके स्थान पर हमें सो लगाना पड़ेगा, यानी कि टू को सो में चेंज कर देंगे। दैट को एडजेक्टिव के बाद में कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, दैट एज कंजक्शन। सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे और उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट, यानी कि कांट या कुडेंट का प्रयोग करेंगे और क्रिया इन्फिनिटिव फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में लेकर के शेष वाक्य को जोड़ देंगे। इस वाक्य का अर्थ क्या होता है कि आई एम टू वीक, यहाँ पर टू एडवर्ब का मतलब है कि इतना ज़्यादा कमजोर कि जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। तो आई एम टू वीक टू वॉक, अर्थात मैं हूँ इतना कमजोर कि मैं टहल तक नहीं सकता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट आई है इसका, सब्जेक्ट आई बनाए रखा। आई एम एच वी हेल्पिंग वर्ब है, आई एम ही बनाए रखी। एडवर्ब टू को हटा करके उसके स्थान पर सो कर दिया। एडजेक्टिव वीक को वैसे ही लिख दिया। इन्फिनिटिव वर्ब, जो वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में थी, टू वॉक का मतलब है वर्ब की ये पांचवी अवस्था है जो इन्फिनिटिव फॉर्म में कहलाती है, उसके स्थान पर देखिए हमने क्या किया, कंजक्शन दैट लगाने के बाद में कर्ता आई को रिपीट कर दिया, सब्जेक्ट रिपीटेड हो गया, कांट का प्रयोग किया और वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूँ दैट आई कांट वॉक, कि मैं टहल तक नहीं सकता हूँ या टहल नहीं सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आई एम प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रही थी वर्ब की, इसलिए हमने कांट का यूज किया हुआ है। अब दूसरा वाक्य देखिए एग्जांपल में कि ही इज टू पुअर, यानी कि वो इतना गरीब है जितना उसे नहीं होना चाहिए था टू बाई ए साइकिल, अर्थात वो एक साइकिल तक खरीद नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, तो ही इज सो पुअर, यानी कि वो इतना गरीब है दैट कि ही कांट बाई ए साइकिल, अर्थात वो एक साइकिल खरीद नहीं सकता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3, वेयर द सब्जेक्ट इज द लाइन। द लाइन वॉज, इस बार हमने हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में डाल दिया है। द लाइन वॉज टू ओल्ड, यानी कि शेर इतना ज्यादा बूढ़ा था टू गो फॉर ए हंट, कि वो शिकार करने के लिए नहीं जा सकता था। अब देखिए परिवर्तन कर रहे हैं, तो द लाइन वाज सो ओल्ड, टू को हटा करके तो सो लगाना है, पहले हमने नियम में बता दिया। एडजेक्टिव ओल्ड को वैसे उतार लिया, कंजक्शन के रूप में दैट का यूज कर दिया। अब द लाइन के लिए हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि एनिमल्स को न्यूट्रल श्रेणी में डाला जाता है, इसलिए उसके लिए इट का प्रयोग करो। कुछ का मैं कहना ये भी कि ही का भी प्रयोग हो सकता है। तो हम यहाँ पे इट और ही को ऑब्लिक करके दिखा रहे हैं कि आप या तो लिख सकते हैं कि इट कुडेंट गो फॉर ए हंट, यानी कि यह शिकार करने के लिए नहीं जा सकता, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ही कुडेंट गो फॉर ए हंट, वो शिकार करने के लिए नहीं जा सकता है। अंडरस्टूड, ओके। आई थिंक यू मस्ट नोट दिस पॉइंट, फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स दीज आर काउंटेबल एज न्यूट्रल जेंडर। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 4, सी लुक्ड, यानी वो दिखती थी, वो लगती थी, वो प्रतीत होती थी टू वीक, इतनी कमजोर टू डू हर वर्क, कि वो अपना कार्य भी करने में असमर्थ थी, अर्थात वो अपना कार्य नहीं कर सकती थी। नाउ सी द चेंज, परिवर्तन कैसे होता है कि सी लुक्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है ये, सेकेंड फॉर्म में लुक की, इसका मतलब है कि इसको देख करके हमें समझ गए कि आगे हमें कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो सी लुक्ड सो वीक, वो इतनी कमजोर दिखाई पड़ती थी दैट सी कुडेंट डू हर वर्क, कि वो अपना कार्य नहीं कर सकती थी। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 5, यू आर टू नर्वस, आप इतने ज्यादा हतोत्साहित हैं, इतने नर्वस हैं टू स्पीक ए वर्ड, कि आप एक शब्द तक नहीं बोल सकते हैं।
तो देखिए हमने क्या किया कि यू आर टू को हटा के सो लगा दिया, एडजेक्टिव नर्वस को उतार लिया, इन्फेंटिव वर्ब टू स्पीक को हटा करके दैट लगाया, सब्जेक्टिव को रिपीट कर दिया, कांट यानी कि कैन नॉट का यूज़ किया और वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया, यानी कि यू आर सो नर्वस दैट यू कांट स्पीक ए वर्ड। आप इतने हतोत्साहित हैं कि आप एक शब्द तक नहीं बोल सकते हैं। तो एडवर्ब टू को जो रिमूव करने के लिए हमें सेंटेंस दिया जाता है, जब इसको हम रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस जो नया बनकर के तैयार होता है वो नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि दिया हुआ वाक्य सिंपल होता है, अफर्मेटिव फॉर्म में होता है, और जब इसको हम रिमूवल करके एडवर्ब टू को एक रिप्लेसमेंट लाते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला रूल है कि आप एडवर्ब टू को हटा करके उसके स्थान पर सो लगाएंगे, एडजेक्टिव को वैसे उतार देंगे, वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में दी होगी उसे हटा करके कंजक्शन दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट अपना देखेंगे उसे रिपीट करेंगे, वर्ब देखेंगे अगर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो आप क्या करेंगे, कांट का यूज करेंगे, अगर वर्ब पास्ट में है तो आप इसके स्थान पर कुडेंट का यूज करेंगे। आई थिंक दैट द रूल नंबर 1 इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स टू यू।